नमस्ते छात्रों, 10वीं हिंदी संयुक्त में रामनारायण उपाध्याय द्वारा लिखित तीसरा पाठ जो है निबंध, यह हास्य व्यंगात्मक एक निबंध है, सफर का साथी और सिरदर्द। तो पहली बात यह है कि सफर, सफर करना, घूमना, फिरना, यात्रा करना, समानार्थी शब्द। सफर करने के मुख्य दो कारण क्या है ये आपको भी पता है। इसका एक पहली बात है कि अत्यावश्यक काम है, बहुत ही जरूरी काम है तो हम सफर करते हैं, और दूसरा कारण क्या है कि घूमना है, फिरना है, मौज मजा, कुछ देखना है, इसके लिए हम सफर करते हैं। अब प्रस्तुत पाठ में सफर का साथी और सिरदर्द, सिरदर्द क्यों कहा है कि सफर हम यात्रा से करो, रेल से करो, तो तीन मुख्य बातें इस यात्रा में क्या क्या आनंद आता है या क्या क्या अनुभव आता है यह लेखक ने दर्शाया। पहली बात उसमें दर्शाई है वो यह कि रेल यात्रा में सहयात्री से मांगकर समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों पर करारा व्यंग कसा है कि जैसे रेल में हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, दूसरे तुरंत कोई मांगते है, वो एक बात। दूसरी है कि अनावश्यक ही सहयात्री से बातें करते रहते हैं, मतलब बिना मांगे सलाह देना। और तीसरी बात यह है कि अनावश्यक बात। तीन बातें हमने देखी, एक सहयात्री से मांगकर समाचार पत्र लेना, अनावश्यक बातें करना और बिना मांगे सलाह देना। यह तो बहुत ही सभी को आदत होती है सलाह देने की, तो इन तीन बातों पर हमें पूर्ण पाठ में गौर करना है। परंतु इन तीन मद्दों को शुरू करने से पहले कुछ प्रस्तावना के तौर पर लेखक कुछ बातें तो पहले कहेंगे या तुरंत पहले ही बात पर आएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये पहला मद्दा शुरू करने के पहले जो लगभग दो तीन परिच्छेद में बातें बताई है वो कृति के तौर पर भी पूछी जाएगी, जरूरी भी है, आवश्यक है, तो वो प्रस्तावना के तौर पर हम बातें देखें। पहले परिच्छेद में पहली कृति हम देखेंगे कि लेखक को एक तो बस की यात्रा उनको पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं है। बस यात्रा पसंद न होने के कारण यह भी कृति आपको पूछी जा सकती, वो तीसरे चौथे परिच्छेद में है। पर उसके पहले लेखक को अकेले ही यात्रा करने में मजा आता है, तो उसके कारण जो पहले परिच्छेद में आप लिखोगे क्यों मजा आता है कि चलती रेल में से ही पेड़ के नीचे से नदी में कल्पना में डुबकी लगाने में, वृक्ष निरंतर पीछे छुपते हैं उनसे दूर भागने में, वृक्ष के साथ निभाने में मजा आता है, ये अकेले यात्रा करने में मजा। अब यात्रा में मिलने वाला साथी लेखक की इन बातों पर निगाह करता है, निगाह समानार्थी शब्द, दृष्टि। आपको ये कृतियों के साथ साथ उसके साथ साथ अन्य उपकृतियां भी देखना है, यात्रा, सफर, निगाह, दृष्टि, रेल यात्रा, सहयात्री, उसके जैसा अन्य शब्द, ऐसे छोटी छोटी कृतियां भी आपको देखनी है। तो ये और इसमें इस जवाब में एक मुहावरा भी आया है, एक तो इन बातों पर निगाह करते हैं साथी, एक तक निहारते रहते, निहारना देखते रहना, और दूसरी वे किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते है, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा, पूछा ही जाएगा, घृणा करना है ना, कुछ अच्छा न लगना, ऐसे। अब बाकी जो दो परिच्छेद है वो जब तक तब तक ऐसी आसान सी कृति है, आप स्वयं वो परिच्छेद पढ़ोगे और उसकी कृति आप लिखोगे। कौन सी कृति में, जैसे दूसरे तीसरे परिच्छेद में है सूर्योदय सूर्यास्त, उसकी दृष्टि उचक कर, जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है तब क्या होता है, जब यह होता है कभी कभी मेरी दृष्टि नदी सौंदर्य का सहारे निखरती है तब क्या, जब तब वाली कृति है यह आसान सी कृति। यह स्वयं अध्ययन के लिए आपको पन्ना नंबर 8 पर जो है तीसरा चौथा परिच्छेद दो तीन बार पढ़ोगे, एक या दो अंक के लिए वो कृति आएगी। वो आपको अगर समझ में नहीं आती है आप लिखने का प्रयास करो, अन्यथा जो जूम मीटिंग अगले सप्ताह में होगी तब मुझे वो डाउट सेशन में पूछना है। अब उसके आगे मैं परिच्छेद कहूँ, इसके पहले मैंने जिक्र किया था कि लेखक को रेल यात्रा ही पसंद है, बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। तो बस यात्रा पसंद न होने के उनके कारण जो है वह लगभग नीचे से दूसरे परिच्छेद में दिया है कि बस यात्रा कतई कभी भी पसंद नहीं है।
तो मन पसंद व्यक्ति बैठने वाला बगल में मतलब पास में बैठने वाला व्यक्ति हमारा मन पसंद होगा ही, ये नहीं। और जो दो तीन बातें वो आप लिखोगे। कभी कभी बस यात्रा में ऐसे भी होता है कि ऐसी व्यक्ति से पाला पड़ता है जैसे वो रुठी हुई पत्नी जैसे हो, और सीधे मुंह बात वो नहीं करता। पत्नी की यहाँ पर क्या उड़ाइए, मजाक उड़ाइए जरा। ये तो हमेशा हम व्हाट्सएप पे इसमें भी बहुत सारे विनोद में यही देखते हैं कि पत्नी पर ही है जो विनोद जो ये, और जबकि यह निबंध जो है सफर का साथी और सिद्ध हास्य व्यंग्यात्मक ही है। तो उसी हिसाब से हमें सकारात्मक रूप से सारी बातें लेनी है, देखनी। अब अगला जो परिच्छेद में वर्णन करूंगी वो दो अंक की कृति के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इस पाठ में से कृतियां पूछी जा सकती है तो इनमें ये परिच्छेद ये कृति जरूरी है। अब रेल यात्रा लेखक को तो पसंद है, पर एक बात सुपर फास्ट ट्रेन और दूसरी है एक्सप्रेस। तो लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस की यात्रा करना ज्यादा पसंद है, पर दोनों की भी विशेषता भी बताई है और तुलना भी बताई है। एक्सप्रेस की यात्रा क्यों पसंद है यह भी देखना है, और सुपर फास्ट ट्रेन की यात्रा लेखक को क्यों पसंद नहीं यह भी देखना है। तो सुपर फास्ट ट्रेन की विशेषता कही है कि इसका स्वभाव जो होता है ना, इस ट्रेन का स्वभाव, ये विशिष्ट व्यक्ति जो कोई खास व्यक्ति होता है ना कि जिसे हम बात करने में जरा दबकते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, दोस्त जैसे ये बिल्कुल नहीं होता विशिष्ट व्यक्ति, तो वो ट्रेन भी है विशिष्ट व्यक्ति जैसे ही होती है। अब उसकी अन्य विशेषता आपको क्या क्या लिखनी है, तो वो रास्ते में जो जो लोग मिलते हैं ना उनसे उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करना मतलब क्या, यह भी मुहावरा है, अनदेखा करना, ध्यान देना। उपेक्षा बिलमर्ती शब्द अपेक्षा, उपेक्षा करना कि जैसे किसी सहेली से हमारी पटती नहीं है उससे बात करना पसंद नहीं, तो हम उनसे हमेशा उपेक्षा करते हैं। यह तीसरी बात इसमें लिखोगे कि बड़ों से मिलने वो दौड़ा, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनसे मिलने के लिए तो ये दौड़ा जाता है। मतलब अक्सर सुपर फास्ट ट्रेन में कैसे व्यक्ति सफर करते हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, इसलिए उनकी उनके बारे में लेखक ने यह व्यंग कसा है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, यह भी विशेषता इसमें लिखोगे। अपनी जो चाल है ना बहुत तेज गति से वो दौड़ती है, तुरंत मतलब बहुत कम समय में अपने इंगित स्थान पर वो पहुंच जाती है, तो अपनी गति पर उसे नाज है, गर्व है। और उसकी तुलना विशिष्ट व्यक्ति से, ये पांचों बातें मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। इसकी विशेषता तुलना। अब एक्सप्रेस की विशेषता क्या है, तो एक्सप्रेस पर जो है कि एक दोस्त की तरह यह एक्सप्रेस ट्रेन होती है। दोस्त की विशेषता, जीवन में दोस्त का महत्व यह आपको बयान करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही शरीर का अपना दूसरा अवयव होता है, सिर्फ जन्म दूसरी माँ ने दिया है। ये सच्चे दोस्त की परिभाषा हम कर सकते हैं कि जो संकट में साथ देता है, अपने मन की बात पहचान लेता है, अपनी गलती बतलाता है, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। ये सारी दोस्त की परिभाषा है। बिल्कुल दोस्त जैसे ही एक्सप्रेस होगी उसकी तुलना दोस्त से की थी। सफर का साथी और सिर दर्द में लेखक के सफर में जो एक एक साथी मिलते हैं उनके कारण के सिर दर्द कैसे होता है ये इस पार्ट में देख रहे हैं। समाचार पत्र मतलब रेल में क्या होता है कि कोई भी समाचार पत्र बिना मांगे ले लेता है, ये एक मुद्दा, अनावश्यक बातें वाला दूसरा मुद्दा, और तीसरा मुद्दा देखा था कि बिना मांगे सलाह देना। तो उसमें हम पहला मुद्दा देख रहे हैं सफर में समाचार पत्र की स्थिति। इसमें दो कृतियां पूछी जाएगी। अब यहाँ गुलाबी अक्षरों में वह जो परिचय दिया है वह गुलाबी बड़े बड़े टाइप में ये लिखने का कारण क्या है कि उसमें लगभग तीन चार व्याकरण दृष्टिया या अलग अलग प्रश्न है समाचार पत्र के बारे में स्थिति बताई है। तो सफर में जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो स्थिति क्या क्या होती है कि समाचार पत्र का मालिक जो होता है उस मालिक के हाथ से दूसरा जो है मांगने वाला उसके हाथ में समाचार पत्र चले जाता है, दूसरे मांगने वाले के हाथ से और दूसरी ओर चला जाता है, पन्ने अलग अलग हो जाते हैं,
और समाचार पत्र का एक पन्ना पूरे डिब्बे में चक्कर काटता रहता है। ये चार बातें आप लिखोगे। सफर में समाचार पत्र के उपयोग दो होते हैं, एक तो मान लो आपको भोजन करने के लिए और दूसरा सीट क्या है वो गर्द जो होती है वो झाड़ने के लिए, सीट पोंछने के लिए मान लो ऐसे हम करें। अब उसी परिच्छेद में अन्य और कौन कौन से एक एक दो दो अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे समाचार पत्र के उपयोग में जो शब्द आया था भोजन, तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द की लगभग समान उच्चारण होता है लगभग, परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द उस परिच्छेद में जो आए हैं वो तीन चार, भोजन भजन लगभग समोच्चारित है पर अर्थ भिन्न है। भोजन पता आपको, खाना, भजन भगवान का नाम स्मरण लेना, दो मात्रा वाला और एक मात्रा वाला और, इसका अर्थ होता है समुच्चय बोधक में जो और हम इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरी सहेली गाँव है। एक मात्रा वाला और का अर्थ होता है तरफ, मैं मंदिर की तरफ गई, मैं मंदिर की ओर गई। पत्र 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 मतलब झाड़ का जो है पढ़ना है उसे कहते हैं पत्र, झाड़ का पत्र आदि। और समाचार पत्र उत्तर दिशा जवाब। अन्य शब्द के अर्थ आपको ये लिखने हैं, ये मैंने अचार आचार अतल अतुल अली आदि। अगर आप पहचान कर कहीं से जानकारी लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन तीनों के अर्थ फिर मुझे जूम मीटिंग जैसे ही होगी उस जूम मीटिंग में आपको मुझे वो डाउट इस हिसाब से पूछना है इनके अर्थ में तब बताओ। उसी परिच्छेद में शब्द युग्म आए लिखिए, मैंने दिया है देखते देखते, अन्य आपको ढूंढकर उस परिच्छेद में लिखना है। अब यह जो समाचार पत्र क्या एक मुद्दा पूर्ण हुआ है उस पाठ का। अब आगे जो बात है वो पूर्ण आगे से लेकर तो अंत तक सारे अनावश्यक बातें, सफर में जो साथी मिल रहे हैं वो कैसे कैसे अनावश्यक बातें करते हैं, क्या क्या होता है, यह मैं आपको कहूँ। मेरा जो कथन है कहानी के तौर पर जो मैं कह रही हूँ वो सुनोगे, और वही अगर आप एकाग्रता गौर से सुनते हो तो कृतियों में भी वो जवाब लिखने में आपको आसानी होगी। अब अनावश्यक बातें में पहला है, मान लो लेखक सफर कर रहे हैं, पास वाला सामने वाला कोई बैठा है कि वो शांति से बैठे हैं, अब उनका सिर दर्द, लेखक का सिर दर्द का कारण क्या है यही हमें सब कुछ देखना है। तो पास वाले जो है वो आराम में बिल्कुल भग्न करेंगे और पूछेंगे आप कहाँ तक चल रहे हैं, लेखक कहेंगे भोपाल तक, फिर कहेंगे कि ये भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी, लेखक ने कुछ वक्त कहा, फिर वो कह रहे नहीं, पहले तो इतने वक्त पहुंचती थी अब इतनी देर क्यों हो गई, फिर आपको कहाँ उतरना है, वो कहेंगे हबीबगंज, फिर वो कहेंगे बिना वजह, अरे हबीबगंज तो उतरना है आपको, लेखक का ये प्रश्न है कहाँ उतरना है, वहां पर रेल स्टेशन क्या है नाम, यह भी प्रश्न है। तो एक हबीबगंज और दूसरा आया है भोपाल, मैं और एक कृति आपको कहूँ कि ये जो भोपाल ये नाम आए हैं ये कौन से राज्यों के शहर के नाम है, यह आप एक कृति तैयार कीजिए, वह आप लिखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या गोवा, कौन से राज्य की है भोपाल हबीबगंज नाम है। फिर वो कहते हैं कि मुझे तुलसी नगर जाना है, लेखक है ना मुझे तुलसी नगर जाना है, वो पास पड़ता है, तो इन पर वो अनावश्यक ही कहेगा अरे तुलसी नगर क्या खास पास पड़ेगा, फिर यहाँ उतरिए यहाँ से ऑटो देकर जाइए, बीच में ही वो बात समाप्त तो होती ना होती है तुरंत दूसरा आगे कहेगा अच्छा ठीक है तो फिर आपको भोपाल ये जो है भोपाल में आप क्या करते कहाँ जाना है, वो कहेंगे मीटिंग के लिए, तो ये बीच में ही। अब करारा व्यंग वो जो दूसरा एक सफर के साथी में साथी मिलता है उनसे करारा व्यंग कैसे होता है कि वो सामने वाला ही लेखक को कह देगा कि मैं अकाउंट सेक्शन में काम करता हूँ, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, वेतन तनख्वाह ये शब्द समानार्थी के लिए ध्यान रखो, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है भी ये दो बच्चे, मतलब व्यंग यहाँ क्या कसा है ये आपको ध्यान देना है, बार बार तो अकाउंट सेक्शन में बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है इसके बारे में। फिर अगर ये परिच्छेद हुआ, आगे अगला परिच्छेद जो है, अगर रेलवे कर्मचारी अपने साथ बैठा है तो वो बातें जो है ना सारे रेल के संदर्भ में जितनी बातें हैं
अब आपको उस परिच्छेद में मैं एक कृति कहूंगी जो अन्य नहीं है, कई बार आपको लिखनी है कि रेल संदर्भ में कौन कौन से शब्द उस परिच्छेद में आए हैं। तो जैसे शंटिंग, गाड़ियों की शंटिंग करने के बाद, शंटिंग करना किनारे पर लगाना, किनारे किनारा तीर अनेकार्थी शब्द है, किनारा को तीर भी कहते हैं, तीर का दूसरा अर्थ होता है बाण, कमान से निकली तीर जैसे हम कहते हैं वो। साहिल किनारे का और शब्द अर्थ होता है साहिल, पर तीर के दो अर्थ आप लिखोगे अनेकार्थी शब्द में, एक बाण और एक जो होता है किनारा। तो गाड़ी शंटिंग यह रेल संदर्भ में आवाज है, कोई कमरा एटअप से जा रहा है, सेवन डाउन से लौटना है, गाड़ी आउटर पर खड़ी, ये सारे रेल संदर्भ में शब्द है। और एक व्यंग कसा है वो यह कि आजकल वो जो अगर रेल कर्मचारी पास में बैठा है तो वो क्या बात करेगा, वो क्या कहेगा कि आजकल मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, माल को पास करना है, पास करना मतलब जाने देना, पास मतलब नजदीक, ये अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है, मेल को रोकना है, मेल और मालगाड़ी, मेल गाड़ी और मालगाड़ी में क्या फर्क है, इन दोनों शब्दों में अर्थ समझ लो। मेल मतलब जिनमें आदमी बैठे होते हैं, आदमी की सवारी, माल जहां पर सामान भरा हुआ है और वो गाड़ी जा रही है, तो मेल को रोकना पड़ रहा है। मेल को क्यों रोकना पड़ रहा है? तो रेल सफर में जो रेल कर्मचारी साथ में, रेल कर्मचारी जो साथ में बैठे हैं तो उनके रेल संदर्भ के ही वाक्य रहेंगे, और वो ये वाक्य कह रहे हैं कि मेल को रोककर माल को पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माल बिगड़ने का डर रहेगा, और आदमी जो बैठे हैं वो तो कोई शिकायत करेंगे नहीं, बैठे बैठे रेल का कुछ काम होगा। और अगर व्यंग रेल के संदर्भ में, और एक व्यंग क्या कसा है उस परिच्छेद में, तो वो आदमी अगर शिकायत पुस्तिका भी मांगे कि उसमें हम शिकायत दर्ज करेंगे रेल के संदर्भ में, तो वो शिकायत पुस्तिका भी वहां उपस्थित नहीं होगी। मतलब रेल के संदर्भ में बहुत अधिक बार ऐसे व्यंग, वो समय पर न आना, जहां पर हवा लगनी चाहिए वह हवा नहीं लगती, पंख अलग ही दिशा में चलते, ऐसे बहुत बहुत व्यंग हम कह सकते हैं। अब अच्छी बातें भी है, वो भी हमें छोड़कर नहीं चलेगा, अच्छी भी बातें देखनी है, बुरी भी बातें देखनी, जबकि भाषा विषय हम पढ़ते हैं तो इन दोनों बातों के हमें देखना ही पड़ेगा। पर एक विनोद याद आता है रेल संदर्भ में, वयु कि एक बार रेल जो है सही समय पर सुबह 10:15 पर आ गई, सारे लोग बिल्कुल खुश है, खुश है, ड्राइवर को जो है हार पहना रहे हैं, वो कहता कह रहे क्या हुआ आज, क्यों तुम सब यात्री इतने खुश है? तो बोले आज पहली बार रेल सही समय पर आ गई है, 10:15 का समय था सुबह और 10:15, वो कहता है माफ कीजिए ये 24 घंटे देरी से आई है। ठीक है, यह भी विनोद की बात, पर ऐसे ही रेल पर अक्सर व्यंग कसे जाते हैं। पर आज अच्छी बातें में आप लिखना है कि रेल संदर्भ में आरक्षण होना कितना आसान हो गया, आरक्षण करना वो आसान कैसे हो गया, उससे क्या क्या फायदे, यह स्वमत के लिए आप प्रश्न लिखोगे। और दूसरा प्रश्न आप यह लिखोगे रेल में या फिर रेल स्थानक पर आधा घंटा वर्णनात्मक निबंध। मैंने जब छुट्टियों में यह पढ़ाया था निबंध, तब वर्णनात्मक निबंध कैसे लिखना है यह मैंने कहा था। तो इस पाठ के संदर्भ में वो एक निबंध आपको तैयार करना, वर्ग कार्य में अब निबंध की कापी में वो लिखोगे नहीं, निबंध की संख्या अभी तक हमारी पूर्ण हो गई है। तो बात हम कर रहे, बात हम देख रहे हैं कि ये रेल संदर्भ में ही वो बातें होगी, उसमें शब्द आए हैं कि बिगड़ना, धन, पद, अनेक अर्थी शब्द लिखो, इसके दो अर्थ क्या है, बिगड़ना, खराब होना, बिगड़ना, नाराज होना, गुस्सा होना, क्रोधित होना, पद, ओहदा, पद अपना प्रतिष्ठा, इस तरह से। तो अन्य और शब्द आपको ढूंढकर लिखने। अब पूछताछ विभाग वाला अगर रेल में हमारे पास बैठा है तो फिर पूछो ही ना, पूछताछ विभाग में खिड़की में बैठा है, उसका सर कैसे होता है, एकदम भी बिगड़ा हुआ उसका चेहरा है, क्रोधित होता है, जैसे हम छोटी सी खिड़की से मुंह डालकर उसे पूछ के कुछ बात करते हैं तो जवाब को भी देता नहीं देता, पर वो भी जितने लोग उसे प्रश्न पूछने के आते हैं उनसे कैसे तंग होता है, और वो क्या क्या कहता है, और यह लेखक का सिद्धांत कैसे होता है, यह हम देखेंगे। वो पूछताछ विभाग वाला अगर पास में बैठा है तो
जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों में भी जवाब रहता है और ऐसे प्रश्न वो पूछेंगे, ऐसे वो कहता है। तो कहेंगे कि शाम 10 बजे वाली रेल को कितने बजे आएगी, छोटी लाइन पर खड़े वाली खड़ी रहने वाली रेल कहाँ खड़ी है, मतलब छोटी लाइन में ही खड़ी रहने वाली ट्रेन है वो कहाँ खड़ी रहेगी, ये क्या पूछना। 10 बजे वाली रेल वो कितने बजे आएगी, क्या पूछना। ऐसे ऐसे सवालों से वो पूछताछ विभाग वाला कर्मचारी भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो तो एक अपना अनुभव सुनाता है। एक बार तो एक आदमी ऐसे और कहता है, अगर रेल का टिकट मैंने लिया नहीं है तो फिर रेल का टिकट न होने के कारण बाहर से जाने का रास्ता कौन सा, भला यह भी कोई पूछने की बात। उतने में ही लेखक का सिर दर्द होने का और एक कारण बन जाता है। एक कोई लेखक से पूछते है, क्या सफर करते हो तो रेल टिकट का आरक्षण करा लेते हो, आरक्षण रिजर्वेशन ये आपको शब्द पता है, तो बिना आरक्षण सफर ही नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि अरे क्यों आरक्षण करे, आरक्षण में कितनी झंझट है, दिमागमारी है। अब पहले आरक्षण के लिए क्या स्थिति होती थी कि एक टिकट पर जाना, घंटों कतार में खड़े रहना, तब एक मिलेगी। और आजकल ऑनलाइन आरक्षण हो जाती है, 2 महीने 4 महीने पहले जो करनी पड़ती, 60 दिन 120 दिन पहले आसानी से आरक्षण घर बैठे हम कर सकते हैं। आसानी से अपना सामान वामान लगेज लेकर जाना, बैठना से 8 सौ जो है हमारा आरक्षित रहेगा, आसानी से सफर होगा। पर पहले स्थिति ऐसी नहीं थी और इसलिए वो कहते कि अरे आरक्षण क्यों करना भाई, वो तो एक मगजमारी है। क्योंकि जैसे ही टिकट निरीक्षण वाला आता है, अगर हम कहते हैं कि ये देख लो हमारा टिकट आरक्षण किया हुआ है, हम बिल्कुल अभिमान से दिखाएंगे, तो वो उल्टे और क्या कहेगा, अरे भाई है ना टिकट, फिर क्यों दिखा रहे। तो इस तरह के अनावश्यक अनावश्यक बातें सफर में जो बैठे हुए वो करते रहते। अब लेखक का सिर दर्द होने लगा और सोच रहे कि बस अब बिस्तर लगा लेना चाहिए। और जैसे ही बिस्तर लगाने लगते कि दूसरा कोई और पूछता है कि भाई सिर दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें गोली खा रहे हैं तुम, तो कहते हाँ सिर दर्द ही हो रहा है। गोली खाने का कारण भी और वो पूछते हैं ना, ना कोई जान ना पहचान, फिर भी बिना मांगे सलाह देना, अनावश्यक बातें करना, ये उनको अनुभव आते रहते हैं। तो ये बातें अनावश्यक बातें में ये जो हम देखेंगे कि अंतिम वो जो सलाह देने वाले लोगों के कारण जो सिर दर्द होता है, तो उनमें हम क्रमशः कहाँ तक चल रहे हो, ये जो भोपाल की घटना मैंने बताई, वो सामने वाले का अकाउंट सेक्शन है वो क्या कहता है, ये एक एक बातें आप ये पढ़ लोगे। अब अंतिम में कह रही हूँ वो परिच्छेद की सांझ होकर होल्डर बिछाने की तैयारी है, उनमें से फिर संवाद होता है कि तुमने, लेखक को कहते हैं तुमने सिर दर्द की गोली क्यों खाई, क्या तुम्हें यह पैतृक बीमारी है या अभी लगी। पैतृक बीमारी मतलब तुम्हारे घर में माँ पिताजी आपको आपके बेटे सभी को है क्या या सिर्फ आपको है। अब लेखक क्या जवाब दे, अब अंतिम वाक्य लेखक ये कहते हैं कि मैं सिर दर्द से नहीं परेशान, मैं तो हम सफर यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ, कितना दर्द ये मुझे सफर में उठाना पड़ रहा है। अब पूर्ण पाठ तो लगभग आपके ध्यान में आया होगा। अब मैं महत्वपूर्ण दो बातें कहूँ, वो यह कि पाठ पूर्ण होने के बाद आपको एक गोलाकार में शब्द दिए हैं और एक कोष्टक में क्रुदन शब्द और तद्धित शब्द अलग अलग कर कर लिखो, ये पूछा है। आपको बोर्ड की परीक्षा में भी यह एक अंक के लिए प्रश्न होता है। अब क्रुदंत और तद्धित मतलब क्या, वो आप शब्दों में से कैसे पहचानोगे। यहाँ पर शब्द है लाचार, दौड़ना, लिखना, झांकना, सज्जन, परेशान, इन शब्दों में से कौन सा क्रुदंत है और कौन सा तद्धित है। तो क्रुदंत शब्द मतलब क्या कि जिन शब्दों के जो प्रत्यय क्रिया